गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हो डॉक्टर प्रीतम सिंह लॉज पहुंच चुके हैं रानी सती। तो सीकर के अंदर रानी सती मंदिर है और ये देखिए स्कूल बस जाते हुए CLC की। और आज का जो हमारा विजिट रहेगा वो रहेगा रामपुरा रोड का, इस शोक भरी दुनिया के अंदर। ये देखिए आप, हमने लाइट्स भी लगा ली है हमारी साइकिल पे, पीछे भी लगा दिए और अब हम चलते हैं रानी सती से जो रामपुरा रोड है वहाँ से फिर रामपुरा होते हुए आगे देखते हैं हम क्या विजिट करेंगे आगे। तो ये देखते हैं दूध की दुनिया कैसी है। ये पुलिस चौकी साउथ थाना उद्योग नगर, ये देख सकते हैं आप, ये भी कोहरे में लिपटी हुई महाराजा अग्रसेन सर्किल टूंगी चौकी बालाजी, गुरुदेव बालाजी के नाम से शुरू करते हैं। देख सकते बालाजी JCB ने भी अपना जो है निकाल लिया है। और ये देखिए आप स्वतंत्रता सेनानी मनमत कुमार मिश्र सर्किल, ये हो स्वतंत्रता सेनानियों की, यह लेफ्ट में जा रही है चंदपुरा। अब ये देखिए सामने कुछ नहीं है विजिबिलिटी। ओह चलते रहो भाई, सुबह की दुनिया धुंध की दुनिया। ये ट्रक इंजन को गर्म करते हुए, क्योंकि बिना इंजन गर्म किए अगर भाई साहब भगा लिया ना तो इंजन सीज हो सकता है, ऐसा हमने सुना है। ये हाँ कुछ ढोलक वाले भी आते हैं। ये देखिए आप, ये यहाँ पे गायों के लिए चारे की व्यवस्था, और जो भी धर्मालु चाहे यहाँ रामलीला मैदान से जस्ट पहले यह रामपुरा रोड पे ही आता है नेशनल सुपरमार्केट। और ये देखिए स्वच्छ अभियान सुबह सुबह चालू हो चुका मेरे भाइयों। ये हरिराम बहेड़ सर्किल और ये इधर चले जाएगी आपकी अजमेर गेट। सड़क का निर्माण कर रही है, एक बच्चा स्कूल जाते हुए गाय के लिए डाल दिया उसने, ये कुछ बच्चे यहाँ भी खड़े हुए। ये देखिए कुछ लोग तपते हुए, यार ये पक्षियों की बड़ी प्रॉब्लम होती है ऐसे मौके में, है ना, जब दिन नहीं निकलता है तो पक्षी बेचारे क्या है कि बैठे रह जाते हैं, उनको मतलब एहसास ही नहीं होता है किधर से शुरू करें दिन को। ये देखिए आप, ये हम रामपुरा वाली रोड की ओर लगातार अग्रसर होते हुए, ये हरिराम बहेड़ मार्ग। ये देखिए कुछ बड़े बड़े भवन बन चुके हैं, ये झूलेलाल चौक, ये झूलेलाल चौक का निर्माण किया गया, बहुत ही शानदार। चलते रहिए देखते रहिए दीपक प्लाईवुड एवं टिम्बर्स। ये देखिए एक बच्चा स्कूल के लिए जाते हुए, नाइन क्लास में हो? हाँ। अच्छा अच्छा, सर्दी में छुट्टियां नहीं हुई अभी? नहीं। चलो चलो यार एंजॉय द डे। ये बच्चा कह रहा है स्कूल की छुट्टी नहीं हुई, चलो कोई नहीं अच्छी बात है। प्रिंस एकेडमी लोटस वैली की बस, अब ये रामपुरा रोड प्रॉपर पकड़ ली हमने। चलते रहिए देखते रहिए सुबह की दुनिया। जय श्री बालाजी। ये देखिए यह रामपुरा रोड कहलाती है। देखिए एक्चुअली में क्या है कि इस साइड लोगों का मूवमेंट थोड़ा सा कम ही रहता है ही रोड वैसे। ये देखिए पक्षी बेचारे बैठे हैं तारों पे, धूप होने का इंतजार करते हुए। जय श्री बालाजी। एक और मंदिर, कुछ केले के पेड़ घर के अंदर। ये शांत रोड बिल्कुल एकदम, धीरे 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 रामपुरा पहुँच जाएंगे हम, शहर का शहर और गांव का गांव। इधर थोड़ा सा एक बीकानेर बाईपास और उसका भी एक हिस्सा आता छोटा सा, बिल्कुल हम क्रॉस करेंगे वहाँ से। तो हाईवे पे धुंध की क्या पोजीशन है वह भी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए हमारे खेत खलिहान सीकर शेखावाटी की धुंध भरी सुबह दिनांक 4 जनवरी 2024। ये देख सकते हो आप, हमने भी पूरा जाप्ता कर रखा है, ये देख सकते हो आप। यह है MRB गौर इंग्लिश एकेडमी, इंग्लिश एकेडमी है यहाँ भी, देखो होकर मेडिकल स्टोर एंड क्लिनिक, बहुत ही शानदार। रामपुरा रोड से हम रामपुरा चलेंगे और आपको विजिट कराएंगे। तो दो काक
काक चेष्टा खतरनाक ये काक चेष्टा लोग हुए पानी पीते हुए। श्री राम भाई साहब यार अब तो सब जम भी प्याऊ लगा रखे थे तो है अथारी है क्या सो। जय श्री राम पानी किया अब प्याऊ अभी सर्दियों में भी भरोगे। वाह साहब जय बढ़िया है। ये देखिए आप सर्दियों में भी जो है प्याऊ का प्रायोजन यहाँ पे पूर्ण करते हुए एक और बच्चा खड़ा है स्कूल के लिए रिधि सिद्धि रेजिडेंसी है शानदार। ये है रामपुरा रोड ईश्वर नगर आवासीय कॉलोनी पट्टा सूदा और इधर श्री गणेश विहार बहुत ही द्रुत गति से विकास होते हुए भाई साहब। ये हो गणेश जी महाराज रामपुरा रोड सीकर चलते चलते चलिए देखिए श्री श्याम नर्सरी। ये देखो आप यार कितना खतरनाक रिस्क लेते हैं भाई साहब। सुबह सुबह शनि देवी का मंदिर जय हो शनि महाराज। ये होता है यार देखो जान ड्राइवर ये होता है। ये देखिए यार घोरे में लिपटा हुआ एक शानदार भवन बिल्कुल आपको इस तरह का एहसास देते हुए जैसे आप नहीं शिमला वगैरह में घूम रहे हो। बहुत ही प्यारा सोहन लाल सैनी ये कुछ हजारे के गेंदे के फूल पौधे और ये रामपुरा रोड लगभग लगभग खत्म होने को है जैसे हम बाईपास पाएंगे। ये आगे हम रामपुरा रोड पे स्टॉप का साइन बोर्ड लगा हुआ है यथासंभव आपको रुकना चाहिए। ये चलते रहिए ये आ गया बीकानेर बाईपास। अब ये हम थोड़ा सा धुंध की वीडियोग्राफी करेंगे कि कैसा रहता माहौल धुंध के समय देखिए। और ये सामने जाएंगे उस रोड में वो है रामपुरा रोड तो देखिए भाई साहब रोड को क्रॉस करते हुए बिल्कुल भी पता नहीं लगता यार इस तरीके से रहता है यहाँ पे माहौल। तो देखिए बिल्कुल स्लो स्पीड से चलते हुए ट्रैक्टर हल्की सी भी जो है ना सावधानी हटी तो समझ में थोड़ी कितना घटी है ना कि राम राम करते हैं। एक स्कूल बस ये भी फुल स्पीड से जाते हैं। आखिरकार हमने क्रॉस कर ली है रामपुरा रोड अब हम चल रहे हैं रामपुरा की तरफ। सुबह सुबह कार्य करते हुए जहाँ लोग शहरों के अंदर रजाइयों में हैं अभी काफ़ी लोग बाहर निकल चुके हैं। देखिए रामपुरा की तरफ अग्रसर देखिए मात्र छाया रेजिडेंसी। वाह भाई जी जय श्री राम। ये है यार देखो तपने का जुगाड़ किया हुआ भाई साहब ने तो किराना की देखी तुम्हारी दुकान। चलो बढ़िया है ना इनके सौजन्य से देखो हमने भी तप लिया यार हाथ बड़ा ठंडा हो गया था कैमरा हाथ में लिए लिए बैंड बज गई। देखो आप रेड कलर देख सकते हो हाथ लाल हो चुका है बिल्कुल तो नाम कही भाई जी तारो पन्नाराम सिंह खाना राम जी पन्नाराम जी अथारी है क्या बढ़िया बढ़िया चाय वाय की भी है कि भाई चाय अच्छा कहीं रेट चल रही है आजकल चाय की शहर में तो 15-20 रुपया ले लागे। चलो राम जी आपने व्यवस्था कर रखी यार ये बढ़िया है तपने के लिए। ये हेल स्टेशन है क्या भाई साहब जर्मन शेफर्ड बाहर के लोगों बाहर के डॉग्स के साथ में वो बस्ती आ रही आने भी के खेल पाते ही चाहिए जे अबे के शहरी कुत्ता है ना आने तो मिले तो हाथ को नहीं खेल पाते ही।
यह आगे आपके पशुपतिनाथ बालाजी का मंदिर। जय श्री बालाजी, जय श्री राम। बहुत ही बढ़िया मस्त मौसम हो रहा है सुबह की, आज की 4 जनवरी 2024। चलते रहिए यार, देखते रहो, यही है। यह देखिए एक डिफेंस एकेडमी है यहाँ पे, ये हमने पहले भी आपको दिखाई है, पर अभी ये ठंड के चक्कर में ड्राइविंग वगैरह जो होती है ना उसके लिए उन्होंने ट्रैक्स बना रखे, बसेस हैं, ट्रक्स वगैरह हैं। जो कोई ड्राइविंग सीखना चाहता हो हैवी, वो भी यहाँ के सीख सकता है रामपुरा रोड पे। अब ये आ गए खुले खेत, उसके ऊपर जमी हुई ओस बादलों का रूप देते हुए, बादलों का रूप लेके बरसे होले होले, मिले सुर मेरा तुम्हारा। शानदार, एक बोलेरो देख सकते हो सर आप, धुंध भरी दुनिया सुबह की। और ये बहुत आवश्यक होता है, इसमें जो धुंध की जो नमी होती है ना, उससे भी ऐसा कहते हैं भाई डूंगरपुर बांसवाड़ा में तो क्या चने की फसल हो जाती है, इससे इनको मावट की ज़रूरत भी नहीं है, इतना इसका उपयोगिता होती है। कृषक इसको समझते खैर, हम तो कृषि कार्य में रहे नहीं कभी, बट नज़दीक रहे हैं कृषकों के। प्याज अच्छा, और बहुत ज़्यादा पड़ जाए तो पाला भी पड़ जाता है, मतलब नुकसान हो जाता, बर्फ़ जम जाती पत्तों के अंदर। प्याज का खेत जो आपने अभी 80 रुपये किलो लिए है ना, अभी थोड़े दिन में बैंड बच जाएगी इसकी, जब आ जाएगा 5 रुपये किलो। ये देखिए जोड़ क्या जोड़ा, चंदपुरा का विद्यालय है प्राथमिक, तो शायद यह अभी धुंध और बादलों की इनकी वजह से, सर्दी की वजह से अभी इसको शायद परमिशन नहीं है खोलने की, तो मंदिर का निर्माण कार्य अभी तक हुआ नहीं। जय श्री राम भाई जी, अरे ना मंदिर ने तो बनता नरा दिन हो गया, बनियो गया आदरा मोड़ गया को लेट ए चा मंदिर तो ये चल रहे थे, कहां चल रहे, क्या को बन रही हो? अच्छा 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 अच्छा, तेजा जी का मंदिर बड़ा तो बड़ा बना रहे हो आप है ना? हाँ, सांगलिया में है एक तो काफी बड़ा। हाँ, उसी की तरह है ना, मैं घूमने गया था एक बार, ये बात है सब। कौन सा गांव आपका? जो रोड वोड जो बन रही है ना, ये रोड बन रही है, रोड है क्या ये? आजकल कॉलोनिया भी तो खूब बनाया है रोड। अच्छा अच्छा अच्छा, ये है सर तेजा जी का मंदिर बनते हुए, जैसे आपने हमने आपको दिखाया था सांगलिया में एक बार हम गए थे, तो उसी तर्ज पे बता रहे भाई साहब ये। हाँ, तो ये आपके ग्रामीणों के उससे ही है और हाँ, कोई समर्थन और सहयोग कहीं से आपके लोकल रामपुरा के लोगों से ही है और भी सबका ही सहयोग है। अच्छा अच्छा, चलिए बढ़िया। अब ठंड तो क्या इस बार थोड़ी मोड़े पड़ी है ना, सब भी लेट पड़ी, 20-22 तारीख तक, 15 तारीख तक पड़वा लाग जाओ भैया ना, सबका सहयोग से बन रहा है। चलो चलो, ईश्वर जल्दी इसको पूर्ण करे। चलो सर करें आप, धन्यवाद सर। तो ये है सर, ओ कौन सा एरिया कला भैया, रामपुरा में ही आओगी अभी? चंदपुरा में। ये देखिए सर निर्माण कार्य, कोहरे की छाया, धुंध की छाया थोड़ी सी तेज होते हुए, और डीपीएससी भी सतत रामपुरा की ओर बढ़ते हुए, देखिए विजिबिलिटी बिल्कुल खत्म सी हो गई है। पशु भी बेचारे खुले में यार, कितना ठंड वंड लगती होगी इनको। प्याज की फसल लहलाते हुए शानदार, आपको ध्यान होगा इधर एक प्लास्टिक हाउस है, भी नज़र ही नहीं आ रहा कहीं, खाली धुंध ही धुंध नज़र आ रही, शानदार। सुबह के 8:45 बज गए, ये हालत है देख लो यार, 8:45 बजे भी आप एहसास कर सकते हो, ये देखो चिर परिचित आपके रास्ते, कई बार हम दिखा चुके हैं आपको, और अब ये धुंध के अंदर तो बिल्कुल ही डिफरेंट लगता है। यह चना, चने का खेत, इसको ओस में बड़ा बेनिफिट रहता है ओस से। तो ये लोक देवता हैं तेजा जी, जिनका मंदिर जो है इसमें है, चंदपुरा के अंदर ही आता है, अभी हमने आपको स्कूल दिखाया था ना, उसी कड़ी में उसी गांव में है ये।
ये देखो नन्नी नन्नी प्यारी प्यारी फसल, ये क्या है इसका तो यार अपने को भी एहसास नहीं हो रहा क्या चीज़ है। सरसों वरसों भी हो सकती है। और ये इधर चना ये पूरा बड़ी 6 किलोमीटर चंदपुरा रामपुरा रामपुरा राइट में डेली हम आपको थोड़ा कच्चे से लेके चलेंगे रामपुरा से, फिर हम रिटर्न करके चंदपुरा होते हुए स्मृति वन पे हमारा आज का ख़त्म करेंगे। ये देखिए तो इधर भी एक भवन का निर्माण हो गया डुप्लेक्स। आज में क्या है कि ये जैसे खुले खेत है, खुले खेतों में रहते रहते अब इंसान ने जो है ना अपने को चार दीवारी में कवर करना शुरू कर दिया है। समय की डिमांड है, समय के साथ में जो है इस तरह की आवश्यकताएं बढ़ती गई इंसान की। बोर्डक मिला बंदा हुआ भाई साहब, आजकल जर्मन शेफर्ड का फैशन है, बहुत ही डेंजरस होता है। ये देखिए धुंध से निकल के आते हुए बोलेरो कैंपर, बोलेरो कैंपर चले जाएगी दुजोत लेफ्ट में और एक उधर भी जाती पूरा बड़ी, अपने को चलना राइट में। अरे वाह ग्रेवल रोड बन गई क्या? नहीं बनी यार, कच्ची है भी कच्ची सड़क। इस कच्ची सड़क पे हम चलते हुए ये देखिए थोड़ा सा डेवलपमेंट होना बाकी, छोटी सी है, ज़्यादा लंबी स्ट्रेच नहीं है इसकी। इसे हम कच्चे सड़क से आपको रामपुरा लेके चलेंगे, फिर पक्के से होते हुए वापस चंदपुरा होते हुए और स्मृतिवन सीकर। मज़ा आ गया, चलाते रहो चलाते रहो। थोड़ा सा भी डिसबैलेंस होते ही रुक जाती है। ये आगे कुछ भव्य मकान समृद्ध कृषकों के, और ये हम पहुंच चुके हैं रामपुरा। वाह ये देखिए अशोका ट्री सुंदर, ये इधर सरसों पीले फूल के साथ। शानदार व्यू देख सकते हो आप, ब्यूटीफुल। ये है धुंध की दुनिया। ये बेचारा एक सैंड पाइपर ये लो जी आ गया रामपुरा। ये देखिए घोड़ा रथ, राम जी का रथ। ये पक्षी बेचारे खम्भों पे बैठे, तारों पे भी निकलने की हिम्मत ही नहीं इनकी। चैनल है रामपुरा यहाँ से आधा किलोमीटर दूर रह गया है और कुछ युवा हमें मिले ये जो है। अच्छा भाई साहब के काम पर निकल रहे हो क्या? कोई खेत वेत है क्या और कोई चेजो वगैरह को? चलो चलो या काम तारो मिलेड़ो है क्या कटे चौकटी पर जानो पड़ सी? चलो चलो बढ़िया बढ़िया। तो कशो का ही मौसम ही बार तारे बढ़िया है क्या? अच्छा टाबरा ने पढ़ाओ भी हो क्या कहते हैं? चलो चलो बढ़िया। देखो पढ़ाई है तो मजा है, आज पढ़ाई है तो देख है को नहीं पढ़ाई कर वो बहुत ज्यादा जरूरी, टाबरा ने पढ़ानो चाहिए। ठीक है भाई जी। ये देखिए डेवलपमेंट का विश्राम गृह नर सेवा नारायण सेवा, ये है रामपुरा गांव। इसके अंदर देखिए ड्रेनेज सिस्टम भी बनाया गया, ये देखिए। और यह आ गई है रामपुरा की स्कूल मातृशक्ति कार्य करते हुए। ये देखिए स्कूल चले हम नन्हे फूल चले स्कूल, वाह। और ये बहुत ही मस्त हो गया माहौल, बन गई है यहाँ सड़क पूरी बढ़िया फर्स्ट क्लास। वाह यहाँ कीचड़ भरा करता था, देखिए अब कौन कहता है हमारे सीकर में विकास नहीं है। ये देखिए
ये यहाँ पे इनके तालाब वालाब है गाँव का। तो ये था साहब सीकर से आज का जो हमारा रामपुरा तक का विजिट। और जय सियाराम भाई लोगों। तो इसके अंदर हमने आपको दिखाया कि किस प्रकार से सुबह का जीवन है कोहरे के अंदर, धुंध के अंदर। तो और संघर्ष जो है चालू है, आप भी संघर्षशील रहें और जीवन को स्वस्थ रखें, मस्त रहें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें और हो सके तो एक साइकिल ज़रूर खरीदें हमारी तरह और जीवन का, प्रकृति का आनंद लें। हैव अ नाइस डे माय डियर फ्रेंड्स, बाय।